हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक वीवीआई क्वेश्चंस है जो कोर्स कोड MEC-003 जो ऑल स्टूडेंट के लिए है, जो लिया गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह रहेगा सॉल्व, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या है, टी प्लस टू वाई इंटू डी वाई प्लस वाई प्लस डी टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है, जो पहला वाला डी वाई जो मल्टीप्लाई है जो टर्म, उसको एम मान लेना है। पहला इतना दूर को एम मान लो और इतना दूर को एन मान लो, उसको सेपरेटली लिख देना है, पहला काम। दूसरा काम ये करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। यहाँ किसके, इसके रिस्पेक्ट में नहीं लेना है डी वाई के रिस्पेक्ट में, पलट के लेना है, इसके रिस्पेक्ट में लेना है डी टी के वाई के। आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे m का t के रिस्पेक्ट में, तो 1 होगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर n का पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में नहीं लेना, पलट के लेना है इसको dy के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है। अब ये दोनों जब बराबर होगा एक दूसरे से, माने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों एक दूसरे के जब बराबर होगा, देखो दोनों का बराबर वैल्यू कितना आया, दोनों में 1-1 आया, दोनों बराबर हुआ एक दूसरे का, तब गिवन इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये चेक कर लेना इतना, उसके बाद सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहला इंटीग्रेशन करना है, एम को कर दो, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट, जैसे एम को माने टी प्लस टू वाई किससे मल्टीप्लाई डी वाई, यहाँ कोई चेंज नहीं करना, उसी मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज करना है, ठीक है, यहाँ नहीं करना है। डी वाई है तो डी वाई के रिस्पेक्ट में हम लेंगे, तो ये हमारा टी प्लस टू वाई डी वाई है। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो टी कांस्टेंट है, टी वाई हो जाएगा प्लस टू वाई स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल, ठीक है, प्लस सी वन अपने से जोड़ना पड़ता है कांस्टेंट। अब एन का डी टी के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो एन का वैल्यू क्या, वाई प्लस डी टी स्क्वायर, वाई प्लस डी टी स्क्वायर लिए। अब ये वाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो टी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर d कांस्टेंट है, एक इसमें पावर जुट जाएगा और जो रिजल्टेंट पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 और 3 से डिवाइड हो गया, प्लस C2 एक कांस्टेंट जोड़ दिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है क्या कि ऐड करना है इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रिजल्ट को, यहाँ पर दोनों का जो वैल्यू निकला है और इक्वल टू 0 करना, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट इतना देखो, यहाँ पर इतना बराबर क्या इंटीग्रेशन करके वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, ठीक है, इतना का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आया, ये वैल्यू आया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म लिखना है, कॉमन टर्म को एक बार लिखना है, जैसे देखो टी वाई यहाँ भी है और टी वाई यहाँ है, तो दो बार ना लिख कर एक बार लिखना है, हमने एक बार लिखा। उसके बाद क्या, यहाँ y 2 2 कट गया तो y स्क्वायर प्लस c1 है, y स्क्वायर प्लस c1 लिखा। यहाँ देखो ty एक बार लिखना था, ठीक है, कॉमन है दोनों में, डिफरेंट है तो उसको लिखना है, ठीक है, तो dtq/3, तो dtq/3 प्लस c2, ठीक है, कॉमन को एक बार लिखना है। जैसे यहाँ ty आया, यहाँ भी ty, एक बार मैंने लिखा, यहाँ लो फिर इग्नोर कर दिया और वाइट करना है, ठीक है। उसके बाद C2 आ गया, अब ये C2 इसका वाला है, ठीक है, यहाँ दो ही टर्म लिखा गया क्योंकि एक कॉमन टर्म पर गया था जो ऑलरेडी पहले लिखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये C1 C2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3y² 3ty, और इसके नीचे तो 3 ऑलरेडी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी टी क्यूब हो जाएगा बाय 3। अब ये माइनस सी वन सी टू को मान लेते हैं ए, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 है, अब इतना वाला 3 है इक्वल टू हम कैपिटल सी मान लेते हैं, वो लिख देते हैं, दिस इज द सोलूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जैक्ट इट इज द सोलूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यू गॉट दिस concept as this solution, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.